Hi guys, these are my bags. वाह, क्या बात है शायान, आज तो तुमने सारे बैट्स निकाल दिए। ये कौन सा बैट है? ओह ग्रेट, एक्चुअली ये शायान का पहला बैट है और मेरा लास्ट बैट है। ये जो बैट है ये तब की बात है, इसकी एक स्टोरी है। एक्चुअली ये शायान 1.5 साल का था और घर में बिल्कुल ये मैचेस खेलता था मैं, और घर में लाके रख देता था। ये हर वक्त इसको लेके घसीटता रहता था ये, और इस बैट के हैंडल से ना इसके पेट में एक निशान सा आ गया था। इस बैट को वो किसी भी हालत में छोड़ता नहीं था। तब जाकर के इसकी मम्मी ने एक छोटा सा बैट लाके दिया था, जो इसके लाइफ का सबसे पहला बैट है। ये है वो बैट जिससे इसने अपनी शुरुआत की थी। तो हम घर में प्लास्टिक के बैट से खेलते थे, मैं और शायान, रोज रात को 9:30 बजे। उसके बाद आया फिर शायान की लाइफ में ये बैट। ये तकरीबन वो 2 साल का होगा उस टाइम। ये बैट, ये काफी अच्छी बैट है, काफी बढ़िया क्वालिटी की प्लास्टिक की बैट है। इससे इसने खेलना शुरू किया और इसने इससे काफी प्रैक्टिस किए घर में। सारे ऐसे लगता था बैट बल्ब वगैरह सारे तोड़ तोड़ डालेगा। फिर हमें लगा कि अब क्यों ना इसको ग्राउंड पे लेके जाया जाए। ये हमारे बिल्कुल घर की लॉबी में इससे प्रैक्टिस होती थी डेली। और फिर हमने लिया एडिडास का ये वाला, ये भी बैट। एक्चुअली ये बैट भी कॉस्को बैट है। ये लेदर के लिए नहीं, लेकिन हम लोगों ने लास्ट में थोड़ा सा इससे लेदर के से भी खेला है। इससे दिखाना, बिल्कुल करीब से दिखाना है इसको एक बार। ये लेदर के इससे खेलने की वजह से इसकी ये हालत हुई है। तो ये बैट हमने जो शायान के लिए, आपने हमारे वीडियोस में देखा होगा जो स्टोरीज वगैरह आई हुई है टीवी चैनल की, तो उस पे देखा होगा कि एक 60 डेज की हमने ट्रायल रखी थी शायान के लिए। उस ट्रायल में वो 60 डेज में हमने ये बैट काफी यूज किया था। और उसके बाद हम लोगों की जो प्रॉपर लेदर बॉल जर्नी स्टार्ट हुई है वो इस बैट से। एक्चुअली ये थोड़ा सा पहले इसकी जो चौड़ाई है वो अच्छी होती थी, थोड़ी सी ज्यादा होती थी, लेकिन बाद में इसको हमने इसकी चौड़ाई को थोड़ा कम किया था, क्योंकि मिडिल करने के लिए प्रैक्टिस करना था। ये बैट आप देखेंगे तो बिल्कुल बहुत ही छोटे साइज में है। ये स्पेशली हमने बनवाया था शायान के लिए। बिल्कुल इतने छोटे बैट्स मिलते नहीं है मार्केट के अंदर, और ये कश्मीर विलो बैट है। ये कश्मीर विलो है, लेकिन इसके अंदर जो स्ट्रोक है वो काफी अच्छा है, काफी अच्छे वुड का बना हुआ है ये बैट। और छोटे बच्चों को मैं कश्मीर विलो ज्यादा प्रेफर करना चाहूंगा रादर देन इंग्लिश विलो के, क्योंकि काफी रफ यूज करते हैं बच्चे, एज वगैरह लगाते हैं, तो उसके लिए ये बैट काफी अच्छा रहता है। उसके बाद नंबर आता है इस बैट का। ये बैट की कहानी ये है कि ये बैट शायान जब 3 साल का हुआ तो इसकी पूरी किट हमने बनवाई, स्पेशल ऑर्डर देके बनवाई थी। ये इसके लिए कहीं से भी कुछ मिल नहीं रहा था, हमने स्पेशल ऑर्डर दिया इस कंपनी में। ये यूएसटी ब्रांड है, इसमें हमने स्पेशल ऑर्डर दिया था। हालांकि ये बैट आप देखेंगे तो ये ऊपर से टो इसका जो है ना, हमने बाद में कटवाया था कारपेंटर से। एक्चुअली ये थोड़ा लंबा था, जो 3 साल की उम्र में इसके लिए काफी बड़ा होता था। तो एक्चुअली ये बैट तो 3 साल में हमने लिया था शायान के लिए, लेकिन इस बैट का बहुत ज्यादा यूज हुआ नहीं, बिकॉज ये हैवी भी था थोड़ा, और
इसकी जो है हाइट भी ज्यादा थी। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक फिर से दूसरा बैट ऑर्डर देके बनवाया जाए। फिर हमने ये बैट बनवाया, वेरी नाइस बैट एक्चुअली। ये भी कश्मीर विलो में है और काफी अच्छा बैट है ये। और शायान ने इससे बहुत सारा क्रिकेट खेला है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया है इस बैट से। इसको हम बहुत ही क्लोज से एक बार आपको दिखाना चाहेंगे। और इस पे खास बात यह है कि इसमें बहुत सारी मेमोरीज भी हैं। इसके ऊपर आप जब देखोगे तो आपको दिखेगा कि कई सारे ऑटोग्राफ्स हैं, कई सारे ऑटोग्राफ्स हैं। इसके बारे में मैं कभी फिर से बात करूंगा। इस पे कई सारे बहुत कीमती बैट है ये, कई सारे ऑटोग्राफ्स हैं। ये सारे रणजी प्लेयर्स के हैं, कई सारे जो आते रहते थे और शायान को देख के काफी तारीफ भी करते थे, काफी इम्प्रेस होते थे। तो ये बैट हमारे लिए बहुत ही कीमती है, इसको हमने संभाल के रखा हुआ है, बल्कि सारे बैट्स को संभाल के रखा हुआ है। अब आप देखेंगे कि ये जो हमारा अगला बैट है ये बहुत ही मेमोरेबल बैट है। इस पे इंडियन क्रिकेट स्टार जो हमारे पूर्व खिलाड़ी हैं सुरेंद्र खन्ना पाजी, उनका साइन है। इसलिए इस बैट को हमने अलग ही रख दिया है। उस दिन के बाद इसकी इस बैट से प्रैक्टिस नहीं हुई। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत ही मेमोरेबल बैट है। ये शायान की जर्नी में बहुत ही विशेष हैं एक्चुअली, ये बैट्स की जगह बेस्ट विशेष हैं। वो ग्राउंड पे मिले थे शायान से और उन्होंने बेस्ट विशेष भी दी थी, और ये बैट उन्होंने ऑटोग्राफ किया था शायान के लिए। तो उस दिन से शायान ने इस बैट से फिर प्रैक्टिस नहीं किया, उसके बाद हमने इसे संभाल के रख दिया है। अब मैं आपको लेके आता हूं आपके सामने ये बहुत ही प्यारा बैट जो एसजी ने शायान के लिए स्पेशली बनाया था। और थैंक यू, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ एसजी का, जिन्होंने शायान के लिए ये बैट स्पेशली बनवाया था और शायान के लिए भेजा था। तो ये बहुत ही अच्छा बैट रहा और इससे काफी प्रैक्टिस किया शायान ने। अब आप देखेंगे इस पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज के ऑटोग्राफ्स हैं जो काफी, हालांकि ये रखे रखे जो है काफी वो धुंधले पड़ गए हैं। इस पे रॉबिन उथप्पा, वरुण एरोन और कई सारे इंडियन प्लेयर्स के ऑटोग्राफ्स हैं। तो ये सब हमारे लिए बेशकीमती है। थैंक यू सो मच वंस अगेन एस जी फॉर फैंटास्टिक बैट्स। अब ये एस जी का दूसरा बैट है जो उसके बाद, आप इसके ग्रेन्स देखेंगे बहुत ही जबरदस्त। शायान ने मार मार के ना बैट की बखिया उधेड़ दी है। ये सनी टनी है एस जी का, ठीक है, बहुत ही बढ़िया इंग्लिश विलो बैट है। और मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके ऊपर द लीजेंड माही सर का ऑटोग्राफ है, महेंद्र सिंह धोनी। आप देखेंगे ये बैट, आप सोच सकते हैं ये कितना कीमती बैट है शायान की जिंदगी में। ये बहुत ही खुशी वाला दिन आया था जब शायान धोनी सर से मिले थे। तो बहुत ही मेमोरेबल है ये सब चीजें मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूं। अब ये बैट एसजी का बैट नंबर 3 जो आप देख रहे होंगे कि ये बैट उस बैट से चौड़ाई में कम है। ये हमने रिक्वेस्ट करी थी उनसे कि ये शायान के लिए स्पेशली बनाए ताकि इससे इसकी जो मिडिल करने की क्षमता है बॉल को वो बढ़े। और थैंक्स गॉड उसका बहुत फायदा भी हुआ कि शायान ने बॉल को मिडिल करना शुरू किया और काफी बेनिफिट हुआ उससे। आप देखेंगे ये बहुत ही जबरदस्त बैट है इंग्लिश विलो, ये बहुत ही प्यारा बैट है।
आप देखिए इसके ग्रेन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तकरीबन 8 या 9 ग्रेन्स है। अनबिलीवेबल, इतने छोटे बच्चों के बैट्स ऐसे मिलते नहीं है मार्केट में। एस जी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे बैट शायान के लिए बनाए और हमारी जर्नी बहुत आसान हुई इन बैट्स की वजह से। अब आप देखेंगे कितना प्यारा साउंड है, बिल्कुल स्वीट साउंड, बहुत बढ़िया। उसके बाद नंबर आता है स्पार्टन का। ये स्पार्टन का इंग्लिश विलो बैट है जिसपे आप देख रहे होंगे। एक्चुअली इससे हम लोग मॉर्निंग में हमने बहुत प्रैक्टिस किया है जिसकी वजह से ये हमने टेप लगाया हुआ है। जनरली हम लोग एज पे सिर्फ टेप लगाते हैं, मैं पर्सनली पसंद नहीं करता हूँ कि टेप लगाने से ना थोड़ा सा अजीब सा लुक आ जाता है, इस वजह से सिर्फ हम एज पे टेप लगाते थे। लेकिन इसमें हमने मॉर्निंग में काफ़ी प्रैक्टिस किया है तो कई बार ना ओस की बूंदें जो होती है ग्राउंड पे उसकी वजह से बैट खराब होता है, तो हमने इसको लगा दिया था। तो काफ़ी अच्छा बैट है ये भी, ये माही एडिशन है, महेंद्र सिंह धोनी एडिशन, बहुत बढ़िया। ये शायान की रिसेंट बैट है जिससे शायान अभी खेल रहा है। ये भी बैट आप देख रहे होंगे, हमने साइड पे टेप लगाए हुए हैं, बहुत ही जबरदस्त, बहुत बढ़िया बैट है CWI का, क्रिकेट वंडर्स इंडिया, आपने नाम तो सुना ही होगा, बहुत बढ़िया बैट्स। ये बच्चों के लिए गुड्स बनाते हैं और काफी अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत बढ़िया। ये शायान का रिसेंट बैट है, शायान इससे अभी प्रैक्टिस करता है और मैचेस वगैरह भी इससे खेलता है, काफ़ी अच्छे कई चौके लगाए, छक्के तो अभी तक नहीं लग पाया है शायान से, लेकिन चौके बहुत सारे लगाता है ये, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और हमारे एडिशन का ये सेकंड लास्ट बैट है जो अभी बिल्कुल नया है और इसकी अभी नॉकिंग वगैरह करनी बाकी है, उसके बाद ये खेलने के लिए तैयार हो जाएगा। वैसे तो आजकल प्रेस्ड बल्ले ही आते हैं जो रेडी टू यूज़ होते हैं, लेकिन फिर भी हमें चाहिए कि इसको अच्छी तरह प्रेस करें और उसको यूज़ करें ताकि जल्दी से पिच वगैरह ना निकल जाए। वाओ, दैट्स ग्रेट, ये आप देख रहे हैं ये किसका ऑटोग्राफ है पता है आपको? ये फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन स्टीव वॉ सर का ऑटोग्राफ है जो उन्होंने भिजवाया है। हमारे घर ऑस्ट्रेलिया से दो लोग आए थे और एक जर्नलिस्ट थे और उनके साथ एक मीडिया से ही थे दोनों लोग, और स्टीव वॉ सर ने शायान के लिए ये भेजा था। और इस बैट के साथ साथ उन्होंने ये कैप भी भेजा था, स्टीव वॉ फाउंडेशन का, आप देख सकते हैं स्टीव वॉ फाउंडेशन का ये कैप है, और ये रहा उनका ऑटोग्राफ अपनी बेस्ट विशेस के साथ शायान के लिए उन्होंने भेजा है। तो ये हमारा लास्ट बैट था, बहुत ही मेमोरेबल, बहुत ही बढ़िया। तो ये था आज का हमारा बैट कलेक्शन। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।